नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बात दिलवालों की दिल्ली की, जहां सड़क से लेकर सदन तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। धरने के खिलाफ धरना, आरोप के बदले आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन। इनके बीच कुछ गायब है तो वो है आम आदमी के मुद्दे। दिल्ली में बीजेपी और आप दोनों की सियासत इस वक्त फुल ऑन है। दोनों सियासत की बिसात पर अपने दांव से विपक्ष को चित करने में जुटे हैं, लेकिन वार पलटवार के इस खेल में लोगों के असल मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। विधानसभा में लोगों के मुद्दों की जगह आरोपों का खेल चल रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष धरने की सियासत में जुटा है। देश को जवाब दो में आज हम इसी मुद्दे पर कुछ सवाल उठा रहे हैं। अब जल्दी से उन सवालों को भी देख लीजिए। क्या है वो सवाल? धरना वर्सेस धरना की सियासत में असल मुद्दे गुम। सवाल ये भी कि आरोपों का अंबार, मुद्दों पर चुप है सरकार। दिल्ली में सियासी सर्कस का रिंग मास्टर कौन है? सवाल ये भी कि सड़क से सदन तक सियासी दंगल में कब तक पिसेगा आम आदमी? तो आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली में सदन से सड़क तक द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की, जिसके बाद सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा तो मनोज तिवारी ने पलटवार किया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी आप और बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे। विधानसभा के अंदर आप उपराज्यपाल पर घोटाले के आरोपों की जांच की मांग कर रही थी, तो सदन के बाहर बीजेपी सिसोदिया को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रही थी। विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन और धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि वो सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाएंगे, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, खास तौर से शराब नीति, भ्रष्टाचार पर, वो सदन के पटल पर अपने प्रश्न रखेंगे। सिर्फ सदन में ही नहीं, सड़कों पर भी आप और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी सिसोदिया पर हमलावर है तो आप भी बचाव में पूरी ताकत से उतर चुकी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे। कम से कम 12 MLAs ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। इनका टारगेट था 40 MLAs लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। इन आरोपों के पीछे तथ्यों की बात करें तो ना तो आप और ना ही बीजेपी के पास जवाब है। साफ है कि दिल्ली में सियासी सर्कस में आरोपों का अंबार लग चुका है। बीजेपी और आप जिस तरह से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उसमें दिल्ली वासियों के मुद्दे काफी पीछे छूट चुके हैं। धरने के खिलाफ धरना और प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच कोई गुम है तो वो है आम आदमी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सारी सियासी कवायद कहीं असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए देश को जवाब दो में बहस की शुरुआत करें। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचड़ा जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और थोड़ी देर में राजीव बब्बर हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और कुलदीप कुमार जुड़ेंगे, MLA हैं आम आदमी पार्टी के। राधिका खेड़ा जी दिख नहीं रही हैं जी। ठीक है गौरव चाचड़ा जी, इस पूरे सियासी सर्कस को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है,
जब जब भाजपा डर जाती है या भाजपा को लगता है कि कहीं पे दूसरी पार्टी कोई विपक्ष मजबूत ना हो जाए तो हमेशा वो डराने धमकाने का काम करती है सीबीआई और ईडी के थ्रू। ऐसा ही कुछ दिल्ली में देखने को मिल रहा है। रही बात धरने की, धरना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, इससे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जब जब उत्पीड़न होएगा जनता पे, जब तक हमारा उत्तर पूरे देश की जनता पे जब तक उत्पीड़न होएगा, जब तक महिला अपराध बढ़ेगा, जब जब महंगाई बढ़ेगी, हम धरना देंगे। हम उसको उसकी आवाज को दबाने का काम नहीं कर रहे, उसकी आवाज को उठाने का चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, डिप्टी सीएम पर ये जो जांच का शिकंजा है ये बेवजह कसा जा रहा है। देखिए, आपके हिसाब से पहले इनकी सीबीआई की जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। आज इनका देख लीजिए आप, लॉकर की जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। अगर कहीं ना कहीं कोई गलती है तो कहीं ना कहीं दोषी है तो क्यों नहीं, तो क्लीन चिट दी नहीं है ऑफिशियली। अभी चल रहा है, जैसे ही सीबीआई की जांच की रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उच्च न्यायालय डिसीजन लेगा। अच्छा, अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, राधिका खेड़ा जी, आवाज जा रही है मेरी? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। राधिका खेड़ा जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 15 दिनों से शराब घोटाले पर नौटंकी चल रही है, सीबीआई ईडी का ये खेल चल रहा है, तो क्या कांग्रेस ने भी तो यही आरोप लगाया और कांग्रेस ने भी तो यही सवाल दागे आम आदमी पार्टी से कि शराब आबकारी नीति में बड़ा स्कैम हुआ, घोटाला हुआ? वो कह रहे हैं घोटाला नहीं है, सब नौटंकी चल रही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, वो असल मुद्दों से दिल्ली की जनता को भटकाना चाहती है। हाँ, हमने आरोप लगाया है, हमने कई बार दिल्ली के एलजी साहब को जाके ये कंप्लेंट दी और बड़ी मुश्किल से ये कार्रवाई चालू हुई है, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई हमारी कंप्लेंट के बाद। ये पूरा दिल्ली जानता है कि जब दिल्ली के लोग तरस रहे थे ऑक्सीजन के लिए, कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा था, तो आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब की क्या प्राथमिकता थी? एक्साइज पॉलिसी। उनको हर चीज, वो दो साल में जब उनके सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए था हमारी देश दिल्ली की जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उनको हेल्थ सुविधाएं पहुंचाना, जब देश की राजधानी में लोग सड़कों पर मर रहे थे, तो ये एक्साइज पॉलिसी बदल रहे थे। घर घर कोने कोने नुक्कड़ में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। क्या आपने कभी भी, आप इतने सालों से जर्नलिस्ट है, कभी भी आपके सामने ऐसा आया है कि शराब की दुकानों पे 1+1 का ऑफर हो, 50% ऑफ का ऑफर हो? ऐसा दिल्ली में हुआ बार बार। ये जो नई नई स्कीम, बड़े बड़े स्कैम हुए, कहां किसको फायदा हुआ? और अब आप देखिए, आज एक बहुत विचित्र चीज हुई है, अन्ना हजारे साहब जो इनके, केजरीवाल साहब के राजनीतिक गुरु हैं, ये आम आदमी पार्टी जो बनने से पहले, केजरीवाल साहब हो, किरण बेदी जी हो, जो फिर अब भाजपा की हिस्से बनी, और कई ऐसे शाजिया इल्मी जो भाजपा में हैं, भाजपा अन्ना हजारे साहब और केजरीवाल जी ने मिलकर जो रचा था दिल्ली में, इतने सालों से अन्ना हजारे साहब बिल्कुल चुप बैठे थे, आज एकदम से जब इनके आरोप प्रत्यारोप आपस में ये खेल खेल रहे हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी, आज अन्ना हजारे साहब जाग गए और एक चिट्ठी आ जाती है। और आज वो दिन है, आज के सारे अखबारों में अलग अलग जगह डेटा आया है कि जो दिल्ली है वो मेट्रोपॉलिटन में सबसे अनसेफ जगह है, देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ है, और 15% क्राइम महिलाओं के खिलाफ यहाँ पे बढ़े हैं। ये दो मुद्दे थे जिनके ऊपर केजरीवाल साहब ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, झंडा लेकर चले थे एंटी करप्शन मूवमेंट का और महिलाओं के सम्मान का। दोनों मुद्दों पर दिल्ली और देश की जनता को उन्होंने फेल किया है। महिला सुरक्षा के नाम पर, जैसे मैंने बताया, आज का डेटा है, और अभी जो गुजरात बार बार घूम रहे हैं, वहां पे बिल्किस बानो के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे, पूरी की पूरी तरह ये भाजपा का एजेंडा साथ लेकर चल रहे हैं, जो महिला विरोधी एजेंडा है, कोई भी बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोल रहा। तो क्या राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी, कहीं आप इस ओर इशारा तो नहीं कर रही हैं? ये जो दिल्ली में सब कुछ चल रहा है, जो जनता देख रही है और जनता को ये लग रहा है कि भाई ये तो आबकारी नीति पर बहुत चर्चा हो रही है, इसमें स्कैम हुआ है, दरअसल इसके पीछे असल एजेंडा गुजरात इलेक्शन है। देखिए, एजेंडा तो मैं फिर बताऊं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो खुलकर कहिए कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, जो गुजरात में खेल करेगी। बिल्कुल, मैंने शुरुआत से ही आपको ये बात कही
भाजपा अन्ना हजारे जी और केजरीवाल साहब जैसे इन्होंने टीम बांटी है ना, कुछ लोग आम आदमी पार्टी में रह गए, नुकसान तो फिर आप ही को होगा, नुकसान तो फिर आप ही को होगा, कांग्रेस को ही होगा, नुकसान इस दिल्ली की जनता का हो रहा है। नहीं नहीं, गुजरात में किसको होगा, गुजरात में किसको होगा, मैं गुजरात के खेल पर बात कर रहा हूं, परिवार मैं भी गुजरात पर पूछ रहा हूँ, गुजरात में किसको नुकसान होगा, वहां भी गुजरात की जनता को ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली बर्बाद किया है कोरोना काल में, हमने 20,000 से ज्यादा अपने परिवार के लोग खोए हैं। पर ये सरकार, फिर मैं बोलूंगी, इनकी पॉलिसी और इनका सारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो शराब के ऊपर। ठीक है, चलिए, राजीव बब्बर बीच में, राजीव बब्बर भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव बब्बर, आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया, वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई ने सब कुछ खंगाल लिया, हमारे लॉकर वॉकर सब चेक कर लिए, कहीं कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट। राजीव बब्बर, ठीक है, चलिए, राजीव बब्बर कुछ लगता है तकनीकी समस्या है, मैं राजीव बब्बर करूंगा, लेकिन उससे पहले गौरव जी, अब ये लोग भी जो बात इन्होंने यहां पर कही, राधिका खेड़ा जी ने, कि भाई आप महिला सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि पुलिसिंग हमारे पास कहां है, वो तो भाई गृह मंत्रालय के अंदर है, हमसे क्यों पूछते हैं। महिला सिक्योरिटी में तो खाली दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में, आप एनसीआरबी का आज आंकड़ा देखिए, पूरे देश में महिला अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और पूरे देश में देख लिए महिला अपराध, क्यों, कि ये लोग महिला के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने नारा दिया था, कहीं भी ये उस पर विफल हो चुके हैं। भाजपा सरकार का खाली सत्ता मोही पार्टी है, सिर्फ सत्ता लेना चाहते हैं, महंगाई पे इनका कोई ध्यान नहीं है, महिला अपराध पे कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो बिल्कुल बेकार है, भ्रष्टाचार एक नंबर का है, तो 360 डिग्री देख लो ओवरऑल, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोभी पार्टी है, इनको सत्ता हड़पनी है बस। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ, पीसीआर, राजीव बब्बर जी, आवाज जा रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। जी जी जी, राजीव बब्बर जी, मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने लॉकर वॉकर सब खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि लॉकर से मेरे बेटे का झुंझुना मिला और 70-80 हजार रुपए का सामान मिला और कुछ नहीं, क्लीन चिट मिल गई मुझे, तो ये झुंझुना तलाश रही है क्या सीबीआई? कट गया इसके पीछे, क्या हुआ राजीव बब्बर जी, आवाज नहीं जा रही क्या? फोन कट गया यार। चले पहले आप तैयार हो जाइए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राधिका खेड़ा जी, आप सुन रही होंगी, राधिका खेड़ा जी, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक डेटा रखा, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 277 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई बीजेपी के द्वारा ऑपरेशन लोटस में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 5,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बहुत अद्भुत बात है कि जब पूरी ऑपोजिशन एक स्वर में प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रही थी और एक स्वर में हर चैनल पे आके बोल रही थी कि ईडी और सीबीआई भाजपा मोदी सरकार के दो हाथ बन चुके हैं जो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो यही केजरीवाल साहब लंबी चुप्पी साधे हुए थे। आम आदमी पार्टी ने ना उस चिट्ठी में साइन किया ना ऑपोजिशन का साथ दिया, आज जब उनके ऊपर आ रही है तो बड़े बड़े डेटा लेकर आ रहे हैं, तब ये बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ नहीं कर रहे थे, जब हम लोग इतने सालों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये जो हो रहा है इसके लिए देश को जागरूक होना चाहिए। अब ये सब मैं फिर बोलूंगी, ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, हम जानते हैं कि भाषण जी भी तो मोदी जी भी है और केजरीवाल साहब उनको पूरी की पूरी टक्कर दे रहे हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट हो या वादे करने में हो या जुमले देने में हो, ये वही है ना इंसान जिन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के कहा था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब तो वो अपना प्रदेश छोड़ के बाकी प्रदेश में भी घूमते फिर रहे हैं, और क्या है ना, क्योंकि अब ये बार बार एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि ये भाजपा के साथ है, तो अब ये नया इन्होंने पैंतरा निकाला है। आप सोच सकते हैं ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सिसोदिया साहब ने, जो इनकी शूट एंड रन की स्थिति है, ये ऐसे ही करते थे, बार बार चिल्लाते थे कि शीला जी ने ये करा, शीला जी ने वो किया, कितने आरोप लगाए थे, क्या हुआ आज इनके दोनों हेल्थ मिनिस्टरों के साथ क्या हो रहा है, दोनों जेल में थे। और सबसे अहम बात जो है, मनीष सिसोदिया ने आके लाइव चैनल्स के आगे आके कहा कि मेरे को कॉल आया है, आज तक
क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती एक डिप्टी मुख्यमंत्री होने के नाते, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, दिल्ली के एक्साइज मंत्री होने के नाते, कि देश के आगे आपने आपने कसम खाई है संविधान की और आप अभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश को बताए कि कौन है वो भाजपा के लोग जो उन्हें फोन कर रहे हैं। भाई गायब है जी, आपस में जो उनकी मिली भगत है तो तमाशा ही बना रहे। चलिए, तो कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है, इसके पीछे का असल खेल चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में। कुलदीप जी, राजीव बब्बर जी, आवाज जा रही है क्लियर? आवाज जा रही है क्लियर? राजीव जी, ठीक है, चलिए कुलदीप जी, अब आवाज जा रही है। राजीव जी, मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने लॉकर खंगाल लिया, बेटे का झुंझुना मिला है, 70-80 हजार रुपए का सामान मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सीबीआई झुंझुना तलाश रही थी क्या? देखिए, सिसोदिया या आम आदमी पार्टी गुमराह करने का काम करती है। एजेंसीज अपनी तहकीकात और इंक्वायरीज कर रही हैं और इंक्वायरीज करने के बाद तथ्य एजेंसीज मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, उनको कोर्ट में, क्योंकि एफआईआर हुई है तो उनको कोर्ट में उस चीज को जस्टिफाई करना है और उस चीज को करना है। तो सीबीआई एजेंसी अपना काम कर रही है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल हर रोज हर सीन पे एक स्क्रिप्ट लिखकर से बटना चाहते हैं, मुद्दे वहीं के आज भी जहां से शुरू हुए थे आज से 10 दिन पहले। आपने क्यों लाइसेंस फीस में डिस्काउंट दिया जबकि दिल्ली में बिजली का जो डिस्काउंट मांग रहे थे दुकानदार बंद दुकानों पे मिनिमम चार्जेस का, वो आपने नहीं दिया। लोग पूछ रहे हैं, भाजपा भी पूछ रही है, उत्तर नहीं देते हो। पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत सोच समझ के बनाई थी, इतनी अच्छी थी कि ऐसी विश्व में पॉलिसी नहीं थी, फिर सीबीआई के डर से या किस डर से आपने वापस ली, इसका आप जवाब नहीं देते हो। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पूछा, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवां लुटा कैसे, बात घोटाले की हो रही है वो बताइए आप। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि घोटाला कहां हुआ, वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले में इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं हाथ लगा, आपने पूरा घर खंगा लिया, गद्दा तकिया सब निकाल के आपने जांच कर ली, आपको एक ढेला तक नहीं मिला। ये विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला तो बोले चलो भाई अब शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन पर, अब शिक्षा पर आ जाते हैं। वही जो भाजपा कल तक कहती थी कि आपने स्कूल का एक कमरा बनाया हो तो बताइए, वही भाजपा आज कह रही है कि अरे आपने इतने कमरे क्यों बना दिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, स्कूल का जो बात है ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी जिसमें विद्यालयों के बारे में बात हुई कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम इतना वर्स्ट है कि दिल्ली के अंदर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का अनुपात बिल्कुल खराब है, और दिल्ली सरकार ने वहां हलफनामा दिया कि क्योंकि सिर्फ 33%, यानी दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 838 है, हम सिर्फ 291 में ही साइंस पढ़ाते हैं और 5 साल में हम कम से कम मोर देन 50% पे साइंस ले जाएंगे। ये दिल्ली सरकार ने कहा, सर हमने नहीं कहा। और आज 271 स्कूलों में ही साइंस पढ़ाई जाती है। तो एज फार एज एजुकेशन मॉडल इज कंसर्न, उसके नीचे से जो निकल रहा है वो तो निकल रहा है, लेकिन आज का मुद्दा ये है कमरे जो आपने कहा हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, आरटीआई कहती है स्कूल नहीं बने, ये राजीव बब्बर नहीं कह रहा, ये बीजेपी नहीं कह रही, आरटीआई कह रही है। अब आप कह रहे हो कि आपने कमरे बनाए, तो हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए 18x10 का कमरा जो नॉर्मली 5 लाख में बनता है वो 33 लाख में क्यों बना? और ये भी आरटीआई जो है आज से कम नहीं तो 3-3.5 साल पहले से इसका खुलासा हुआ। अब क्योंकि ये सारे मुद्दे अब खुल रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि आप रोज सिस्टम को बदलना चाहते हो, आप मुद्दे पे रहना नहीं चाहते, जो सरकार के अंदर रह के आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर तो आप ही को देना पड़ेगा। कुलदीप जी, आप देखिए 5 दिन में इसके पहले दिन एक मिनट, पहले दिन सर न्यूयॉर्क टाइम, दूसरे दिन हमारे विधायक खरीद रहे, तीसरे दिन 20-20 करोड़, अब चौथे दिन जो है एलजी घोटाला। तो ये क्या हो रहा है भाई? एक ही आदमी जिसको आप भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, उसका एजुकेशन सिस्टम ये है कि दिल्ली के अंदर हर 4 में से 3 बच्चों को साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उसका उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। और तुम ही शिक्षा मंत्री, तुम ही शराब मंत्री, और तुम ही भारत रत्न लेने वाले, और तुम ही देने वाले। तो ऐसे में दिल्ली आपसे हिसाब पूछ रही है कि बीजेपी कह रही है कि शराब और शिक्षा घोटाला दिल्ली सरकार में करप्शन के ट्विन टावर है। ये पीयूष भाई,
पहली बात तो ये कि अभी राजीव भाई ने बहुत सारे सवाल पूछे मेरे से, गुजारिश है बड़े थोड़ा मेरे सवाल भी बड़े ध्यान से सुने मेरी बात को, और कृपया बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोल, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने जो भी सवाल अभी तक हमसे पूछे, हमने इनके सारे सवालों के एक एक करके जवाब दिए, लेकिन ये मुझे इस बात को बता दें कि इनके सवाल कैसे 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 बदलते गए। ये घोटाले की बात करते हैं, एक व्यक्ति इनका आके बोलता है जी 800 करोड़ का घोटाला हो गया, दूसरा आके बोलता है जी 500 करोड़ का घोटाला हो गया, तीसरा आके बोलता है 44 करोड़ का घोटाला हो गया, चौथे आके बोलते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ रुपए, घोटाला 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये तो इनकी छूट की प्रकाष्ठा है, और जो भी डेटा लेके आते ना, मुझे डेटा समझ में नहीं आता, ये कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, कौन से व्हाट्सएप के इनके भाजपा वाले ग्रुप पे डाल देते हैं, उनसे बोलो रिसर्च विचर्च करके आया करें, उसके बाद डेटा डाला करें, तब आपको मिलेगा। पहली बात ये, दूसरी बात ये, मैंने आपकी बात जो आपने कहा, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 14 घंटे आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी के घर पे आप लोगों की सीबीआई ने रेड करी, 6 घंटे सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी कर ली, आप मुझे बताइए क्या सीबीआई को मिला? आज सीबीआई ने लॉकर की जांच भी कर ली, सीबीआई को क्या मिला लॉकर की जांच करने के बाद? ये बात आप स्पष्ट करें आज देश के सामने। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी झूठ की प्रकाष्ठा को गढ़ने का काम कर रही है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये बताएं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भ्रष्ट है, जो चोर है, जो 130 करोड़ लोगों में मोदी जी को केवल एक व्यक्ति मिले जिनको दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया, इतने भ्रष्ट आदमी को जिन्होंने नोटबंदी के समय पर दिल्ली के अंदर 14 देश के अंदर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जब वो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन थे, गांधी जी के संस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अंदर 1400 करोड़ रुपए का मतलब कुलदीप जी स्पष्टीकरण दे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बनाम की लड़ाई चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्कैम वर्सेस स्कैम। आप जो कह रहे हैं कि जब वो खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हुआ करते थे तब का ये करप्शन है, तो अभी बीजेपी ने आरोप लगाया तो आपको उसकी याद आ गई, आपने वो भी निकाल दिया कि भाई इसका भी जवाब दो। तब तो कांग्रेस पूछेगी, शीला दीक्षित के बारे में आप लोगों ने कहा था जेल भिजवाएंगे, क्या हुआ भाई, उन आरोपों का, उन फाइलों का क्या हुआ, ये भी तो लोग जानना चाहेंगे ना, कि हवाई फायरिंग कर दिए। आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, बात हो रही है धरना वर्सेस धरना की सियासत पर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा शायद, वो खत भी अब तक आपने पढ़ लिया होगा अन्ना हजारे का, लेकिन एक बार बयान सुनिए अन्ना हजारे का, बयान चला एक बार। जैसे शराब के नशा ऐसे 70 पैसे के भी नशा होते हैं, मुझे महसूस हो रहा है उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहा था, और आज 70 पैसे के नशा चढ़ गई, और आज ये पॉलिसी कैसे गलत पॉलिसी बनाया। अब देखिए कुलदीप जी, आप बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को बोल सकते हैं कि ये लोग बेवजह आपको बदनाम कर रही है, अन्ना हजारे को क्या कहिएगा? देखिए मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर कोई पूरे देश में विश्वास नहीं कर रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी को अन्ना जी का सहारा लेना पड़ रहा है, अन्ना जी के कंधे में रख के बंदूक चलानी पड़ रही है, यह बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ। कुलदीप जी, अन्ना हजारे बीजेपी की बोली बोल रहे हैं क्या पूरी तरह से? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी को झूठ जो इन्होंने परोसा ना पूरे एक महीने में, लगभग किसी ने इनके झूठ पर पूरे देश ने, भाई इन्हीं अन्ना हजारे की उंगली पकड़ करके अरविंद केजरीवाल आज यहाँ तक पहुंचे, और आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, एजेंट है क्या बीजेपी के अन्ना हजारे? प्रत्युष भाई, मैंने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे किसको विश्वास नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी की झूठ पे किसी ने विश्वास नहीं किया, इन्होंने खूब झूठ फैलाया लेकिन लोगों ने इनके झूठ पे विश्वास नहीं किया, आज इनको अन्ना जी के कंधे की जरूरत पड़ रही है, उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। मतलब राजीव बब्बर जी, अन्ना जी की जरूरत पड़ रही है झूठ को,
अपने झूठ को फैलाने के लिए। कुलदीप कुमार को सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज आपको अन्ना हजारे की जरूरत पड़ गई, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि उनके जरिए बुलवाओ तो पता चले कि हाँ वाकई में कुछ गलत हुआ है। मुझे इनसे एक्चुअली यही उम्मीद थी, क्योंकि राजनीति को जमीन के स्तर से भी नीचे ले जाने वाले ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों के सहारे ये खड़े हुए, जिस आंदोलन पे अरविंद केजरीवाल को मंच मिला उस में भी ये उसको लाल कहते हैं। ये कोई मेरे को कम से कम इसको इनसे कुलदीप से सुन के मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, इनकी फितरत इनकी ट्रेनिंग ऐसी है। मैं बीच में बोला था कुलदीप भाई, मैं कुलदीप में नहीं बोला था, आपने कहा था ना, आपने क्या था ना, मैं बीच में नहीं बोला, आपने मुझे कहा, मैंने तो आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी, आप बीच में, आपने कहा बीच में बोलना, मैं नहीं बात बोलिएगा, मैंने आपकी बात मानी, मेरी बात मानी है। अरे डिबेट में तो ईमानदारी कर लो यार कुलदीप। अभी आपने मुझे कहा, आपने मुझे कहा कि आप चुप रहना, मैं चुप रहा, अब मेरी बात हो जाने दीजिए ना भाई साहब, ईमानदार तो रहो कम से कम, डिबेट में तो ईमानदार रहो, जो खुद कहा है उसको तो मानो। आप जब बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, मैं चुप था, आपकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इल्जाम भी सुने, सच भी सुना, झूठ भी सुना, अब मेरी बात सुनिए। तो आपने स्वराज नाम की किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बन के आप आदर्श विचारधारा को भूल गए, इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अन्ना हजारे जी बोल रहे हैं। क्यों और रेफरेंस क्या दे रहे हैं? स्वराज पुस्तिका की, जिसके लेखक कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अरे भाई, अगर आप अपनी तो पुस्तक में लिखी चीजों को गलत करोगे और उसके बाद आप फिर आप अन्ना हजारे को एजेंट बोलोगे, हम नहीं कह रहे, हमने नहीं कहा अन्ना हजारे जी से कि आप सर्टिफिकेट दो या लो, अन्ना हजारे जी ने कई बार बात बोली जो को सूट नहीं करती, अन्ना हजारे जी ने कई बार बात बोली जो बीजेपी को सूट नहीं करती। अरे कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो रखो, अन्ना हजारे की बात पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो रखो भाई, कम से कम उस आदमी का। अरे इतना तो एहसान फरामोश मत बनो यार, जिस आदमी ने तुम्हें सत्ता दे दी उसको भी तुम गाली देने लगे यार। राधिका खेड़ा जी, कितना खेड़ा जी, लाइए तीनों को लाइए स्क्रीन पर, चढ़ के सत्ता में आए उसको भी गाली देने लगे यार जी। थोड़ी तो राधिका खेड़ा जी, अन्ना हजारे के चिट्ठी को और उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी आपने कुलदीप कुमार को सुना, वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे के कंधे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, मतलब स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, अन्ना हजारे बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जी, तीनों के तीनों मिले हुए हैं। अच्छा, अन्ना हजारे हो, अन्ना हजारे जी हो, भाजपा सरकार हो, केजरीवाल साहब हो, तीनों के तीनों मिले हुए हैं। मैं कहा ना जैसे शुरुआत में, इतने सालों से अन्ना हजारे जी गायब थे, किसी भी मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे, वादे तो कई कई करे थे अन्ना हजारे जी के साथ बैठ के केजरीवाल साहब ने, क्या एक भी पूरा किया? तब तो नहीं बोले। अब बीजेपी और उन्होंने सामने ले आए, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो मिली भगत चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे सुन रही थी आम आदमी के प्रवक्ता, आम आदमी के विधायक जी को बोलते हुए, मेरा उनसे एक सवाल है, आपकी पंजाब में सरकार बनती है, वहां पे जब बाय इलेक्शन आता है, उस बाय इलेक्शन के चलते आप अपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उनके करप्शन के चार्जेस होते हैं, उनको पदमुक्त कर देते हैं। कितने महीने हो चुके हैं सतेंद्र जैन, दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जेल में हैं, बेल भी नहीं मिल रही है उनको। कुछ तो बात होगी कि जो अदालत है, हर जना मिला हुआ है, अदालत अगर बार बार आपको बेल रिजेक्ट कर रही है, फिर भी आपने उनको पदमुक्त नहीं किया। मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, एक्साइज पॉलिसी से देश की, दिल्ली की बच्चों को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि शराब की उम्र कम करो, 50% पे शराब लो, 1+1 फ्री लो, गली गली घर घर के बगल में शराब की दुकान खोलो, उनको अभी तक आपने पदमुक्त नहीं किया। हटा दीजिए ना इन दोनों को भी, क्यों? सारा पैसा क्या केजरीवाल साहब के पास जा रहा है, इसलिए ये दोनों को पद से नहीं हटाया जा रहा? लेकिन आपके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब को तो आपने पदमुक्त कर दिया था, इन दोनों को क्यों नहीं हटा रहे? कुलदीप जी जवाब चल रही है, दिलवाई है। कुलदीप जी जवाब। मुझे बड़ा अफसोस इस बात को लेकर हो रहा है, शायद राधिका जी बैठी हुई है डिबेट में, मुझे नाम राधिका जी, राधिका जी बैठी हुई है, बड़ी वरिष्ठ है कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ये समझिए कि मुझे लगा कि ये शायद ये एलजी के ऊपर भी बात करेंगी, ये इस बात पे भी बात करेंगी कि एलजी को अपनी सीट को छोड़ना चाहिए, जिनके ऊपर 1400 करोड़ रुपए के आरोप लगे हैं, जिन्होंने ऐसे भ्रष्ट एलजी जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो 130 करोड़ लोगों में केवल एक ही व्यक्ति मिले, इतने भ्रष्ट चोर जिनको दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया, उनके लिए भी दो शब्द बोलेंगी।
क्या एसएलजी को हटाया? नहीं, इन्होंने जो एक सवाल किया, राधिका खेड़ा ने इन्होंने सवाल किया कि पंजाब में तो आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर को आपने पदमुक्त कर दिया, यहां सत्येंद्र जैन को 3 महीने हो गए जेल में, आपने यहां पदमुक्त नहीं किया, क्यों? पंजाब के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, ये क्यों, ये मापदंड क्यों अलग? प्रत्युष भाई, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करती है। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली का भी आपको पता होगा, अपने ही मंत्री को अरविंद केजरीवाल जी ने आसिम मोहम्मद खान को, किसी के पास एविडेंस नहीं था। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। वो वाले मंत्री ने भ्रष्टाचार मिलकर नहीं किया था ना, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते कहीं पर भी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे 14 घंटे रेड की जाती है, उनके घर पे उनका बेडरूम चेक किया जाता है। बोलिए 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 राजीव जी, बोलिए बोलिए, मैं आ रहा हूँ राधिका जी, आपके पास भी आऊंगा। राजीव बब्बर, प्रत्युष भाई बताएंगे उसके बारे में क्या मिला। कमरे बनाए 5 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बना, ये कह रहे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। बाबर एंड बाबर कंपनी को 500 करोड़ रुपया कमीशन दे दिया, किस लिए दे दिया अभी तक पता नहीं चल रहा, सीबीसी इनसे पूछ रही है, ये कह रहे भ्रष्टाचार नहीं करते। इनके मंत्री को, इनके मंत्री को जमानत नहीं मिल रही, कोर्ट कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोर्ट कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये कह रहे हम भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अरे ईटीसी के में घोटाला कर दिया, स्कूल में किताबा कर दिया, टॉयलेट में घोटाला कर दिया, शराब पॉलिसी में कर दिया, आप मुझे ये बताइए, उसके बाद आप, उसके बाद भी कट्टर कट्टर ईमानदारी की बात करते रहेंगे, उसके बाद भी कट्टर ईमानदारी की बात करते रहेंगे। अरे 5 लाख का कमरा 33 लाख में अगर लापरवाही से भी खरीदा। मैं चूंकि समाजवादी पार्टी भी साथ में है हमारे साथ, गौरव जी एक बात समझ में नहीं आ रही, अरविंद केजरीवाल ने चर्चा किया था, ये सबने सुना होगा, उन्होंने कुछ प्रदेशों के नाम लिए, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सफल रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था 40 विधायकों को, उस लिहाज से 800 करोड़ रुपए कहां से आया, जरा बीजेपी से पूछिए। उन्होंने कहा कुछ स्टेट में वो 50 करोड़ था। ऑन द लाइटर नोट, ये 50 करोड़ से 50 करोड़ महाराष्ट्र और बाकी जगह के विधायकों के लिए, यहां 20 करोड़ है, तो 30 करोड़ रेट कम हो गया, ये क्या माजरा है? देखिए रेट कम हुआ होगा ये क्या माजरा है? मैं कोई भाई इनके पास पूछ, मैं कोई इस चीज का व्यापारी नहीं हूँ, ये हाँ। तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कि रेट कम क्यों लिया। वो कह रहे बहुत बड़ा स्कैम है ये, वो हमारे 5,500 करोड़ रुपए का स्कैम बताया इसे, कि 5 सालों में 277 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है अलग अलग स्टेट्स में। देखिए वो तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि कैसे। राजीव बब्बर जी क्या है, कहां रेट जो कम कह रहे हैं भाई, आपने इतने पैसे कहां से जुगाड़े? किस के बारे में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पहले सरकार गिराते हैं और उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़वाते हैं, पैसा वहां से लाते हैं, फिर आप एजेंडे पे निकल जाते हैं दूसरे स्टेट में सरकार गिराने। और उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर देख लीजिएगा झारखंड में सरकार गिर जाएगी। देखिए ऐसा है, सुनिए, इनके, इनको किसने फोन किया इनको पता नहीं, किसके फोन पे फोन आया, पहले तो सिसोदिया बोल गए मेरे फोन पे फोन आया, फिर बोल गए मेरा फोन तो सीबीआई वाले ले गए। अरे भाई किसके फोन पे फोन आया, किसको किसने फोन किया, कुछ नहीं, हमें 20 करोड़ ये तो खुद ही अपनी कीमत खुद ही बाजार में, इसका मतलब ये सब लोग बिकाऊ हैं ऐसा मानते हैं और ये अपनी कीमत खुद ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इतना पूछ रही है कि भैया एक्साइज में जो हेरा फेरी करी, ड्राई डे क्यों खत्म कर दिए, यानी गुरुपूरब पे दारू बिकेगी, रविदास जयंती पे दारू बिकेगी, अरे इतना लालच, मतलब 21 ड्राई डे से अद्भुत पॉलिसी में आपने 18 ड्राई डे कम कर दिए, इतना लालच, इतनी इंटरनेशनल पॉलिसी आपकी। अरे सुनिए, चुप रहिए, अभी मेरी बात सुनिए, आपने पाप किया, धार्मिक भावनाओं किया, आपको शर्म आनी चाहिए, सुनिए मेरी बात को। अरे शराब के अंदर इतना घोटाला और 5 लाख का कमरा 33 लाख में बना, उसका हिसाब दो ना भाई, क्यों नहीं दे रहे, कौन सी ईंट लगाई, कौन सी ईंट लगाई जिससे 5 लाख का कमरा 33 लाख में बना, ये बताओ 5 लाख का कमरा 33 लाख में क्यों बना, क्यों क्यों आपने 144 करोड़ माफ किए, क्यों आपने 30 करोड़ की ईएमडी वापस करी, क्यों आपने ड्राई डे कम किए, क्यों कमीशन 2% से 12% हुआ,
20,000 करोड़ में 2,000 करोड़ रुपए अरोड़ा अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, बाकी स्टेट्स के जितने विधायक थे उनको बीजेपी ने खरीद लिया, लेकिन दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस टाए टाए फिस हो गया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी के विधायक बिकाऊ नहीं है, यानी जिन प्रदेशों में जोड़ तोड़ करके सरकार बनी वहां पर ज्यादातर तो कांग्रेस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना, यानी कांग्रेस और शिवसेना के विधायक बिकाऊ थे, इनके नहीं। ये तो कांग्रेस पर बड़ा आरोप। देखिए, दो बड़ी चीजें बताती हूँ। जब जब दूसरी पार्टी, जैसे मैंने बताया, सारे ऑपोजिशन ने मिलकर जब ये चिट्ठी लिखी खरीद फरोश के बारे में, कहा हम हमेशा सामने लाते हैं, ऑडियो भी आए थे, गजेंद्र शेखावत साहब का ऑडियो भी था जो राजस्थान में वो खेल रचाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस कभी हवाई तीर नहीं चलाती कि बस तीर छोड़ दिया कहीं पे भी जाके लगे। हमने हमेशा ऑडियो सुनाया, चिट्ठियां दिखाई, सब कुछ सामने बताया। इन्होंने जितने भी बात करी आज तक कुछ नहीं बताया, जैसे मैंने कहा शूट करके भाग जाते हैं। मेरा एक यहाँ पे सवाल है, मैं यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे उनसे एक सवाल का जवाब, एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, एक जवाब बताइएगा। आप लोगों की जो एक्साइज पॉलिसी थी, जो आप लोगों ने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, सुनिए तो, आप हर जने के बीच में ऐसे बोल क्यों रहे हैं? शोर, चोर मचाए शोर, जानते हैं ना, सिर्फ शोर आप मचा रहे हैं, चोर है जो शोर मचाते हैं। तो इसलिए सुनिए, सुनिए हम लोग क्या कह रहे हैं और बात को ध्यान से सुनिए। बार बार बीच में बोलने से, बार आवाज दबाने से आप सत्य नहीं हो जाएंगे, सुनने की क्षमता रखिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो एक साइज पॉलिसी ये लेकर आए थे, क्या वो सही थी कि गलत, इसका ये जवाब दे दे, फिर मैं आगे की बात बताऊं। कुलदीप जी बता दीजिए, क्या जो एक साइज पॉलिसी थी वो सही थी कि गलत? कुलदीप जी मुझे बस इतना बता दीजिए, आप खाली, आपने अभी कहा भाई सवाल का जवाब सवाल से मत दीजिए ना, बताइए एक्साइज पॉलिसी आपकी सही थी कि गलत? बैठते हो हवा से बैठते हैं या जमीन से जल्दी जाते, बता दीजिए। अपनी एक्साइज पॉलिसी के बारे में नहीं बता पा रहे कि सही थी या गलत। अरे बताइए ना, कैसे जाते सही थी बताइए, अरे गलत के काम कर रहे हो तुम कांग्रेस के, तो अभी तो खत्म हो गई कांग्रेस, बात करिए ना, क्या आपकी एक्साइज पॉलिसी सही है कि गलत, ये बताइए। खत्म हो गई ना, मोदी के 10 लाख करोड़ के बारे में बोलोगे दो शब्द आप? अरे भाई भाई मेरे को ये बताओ, देखिए मैं कह रहा हूँ ये सवाल का जवाब, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी मिलकर खेल कर रही है, कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का खेल चल रहा है। गौरव जी, खेल चल क्या रहा है मुझे बताइए। देखिए, ये खेल कुछ नहीं है, ये भाजपा का चक्रव्यूह है। अच्छा, भाजपा ने जो चक्र, भाजपा आपको पता है भाजपा वाले झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और झूठ को जमीनी लेवल तक लेके जाते हैं और उसको सच साबित कर देते हैं, तो उस चक्रव्यूह में ये लोगों को फंसाए जा रहे हैं। क्यों पॉलिटिकल पार्टियां फंस रही हैं चक्रव्यूह में? चक्रवी भाजपा का है, निकलेंगी समय से, निकलेंगी कैसे, निकलेंगी लगे हुए कोशिश के। आप अभी आप बात कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन की, भाई अगर देश में अगर कोई गलत चीज हो रही है, महिला अपराध हो रहा है या कुछ भी हुआ, तो धरना प्रदर्शन में क्या दिक्कत है? अगर अपोजिशन पार्टी करे तो फर्जी मुकदमे लग जाते हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ जाती है, जीएसटी का छापा पड़ जाता है। अगर आप करें तो सही है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, सबका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग को छूट मिली हुई है। राधिका जी, राधिका जी, कई लोग ये बात पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि भाई जब आप पर सीबीआई या ईडी की बात आती है तो आप कहते हैं कि ये गलत कार्रवाई है, फंसाया जा रहा है, जब आम आदमी पार्टी पर या पश्चिम बंगाल में ये सब होता है तो आप कहते हैं बिल्कुल सही, वहां सीबीआई और ईडी सही हो जाती है, और यहां पर जब कांग्रेस पर होता है तो वही सीबीआई और ईडी जो है इडियट हो जाती है, क्यों ऐसा? देखिए प्रत्युष जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, हाँ, जब सारी ऑपोजिशन मिलके ये बात बोल रही थी एक स्वर में और प्रेसिडेंट साहब को ये चिट्ठी लिख रही थी कि किस तरीके से ईडी सीबीआई और ये अन्य एजेंसियों का ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, तब आम आदमी पार्टी गायब थी, फरार थी, चुप थी, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास कि इन्होंने उस चिट्ठी में साइन क्यों नहीं करा। तब ये कहां थे जब ऑपोजिशन के ऊपर बार बार रेड पड़ रही थी, जब राहुल जी, सोनिया जी से बार बार पूछताछ करी जा रही थी, जब शिवसेना के लीडर्स को उठा के लेकर जाया जा रहा था, तब ये कहां थे? तब इन्हें दर्द नहीं हो रहा था? अब इनके ऊपर जब रेड पड़ रही है, जो इनकी मिली भगत है,
तो अभी आप खुदक रहे हैं। मैं फिर कहूंगी प्रत्युष जी कि अभी मैंने आपके सामने इनसे सवाल पूछा कि इनकी एक्साइज पॉलिसी सही थी या गलत थी, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बार बार एक्साइज पॉलिसी लेकर आए, इन्होंने वापस ले ली, इसका मतलब ये मानते हैं कि इनकी पॉलिसी गलत थी। और ये कौन सी पॉलिसी में वापस गए? शीला दीक्षित जी की पॉलिसी पे। वही शीला दीक्षित जी जिसको ये भ्रष्टाचार की देवी बोल बोल के सत्ता में आए, बार बार एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोग जेल में हैं। और ये बार बार जो बोल रहे हैं कि सतेंद्र जैन को ये मिलना चाहिए, ये अवार्ड मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया जी जैसे उनको भी अवार्ड की, भारत रत्न की बात कर रहे थे, उनको कोर्ट बेल तक नहीं दे रही है। आप सोचिए कितने बड़े आरोप प्रूव हुए होंगे वहां पे जो कोर्ट बार बार बेल रिजेक्ट कर रही है। आजकल उनकी याददाश्त खोई भी है, बहुत अच्छा बहाना है कि याददाश्त खोई भी है। समय 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 इजाजत दे रहा है, मैं बाकी मेहमानों के पास अब नहीं जा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ब्रेक में जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।